क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। शाजमा, तुम्हें नाजिया से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो बहन है तुम्हारी, तुम्हें तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। इवन आई वाज एंबैरस्ड। आप शर्मिंदा थे, आपको ऐसे शर्मिंदा होना भी चाहिए। नाजिया का शोहर कितना ख्याल रखता है उसका, महंगे महंगे उसको गिफ्ट्स लेकर देता है, बिजनेस के लिए नया सेटअप स्टार्ट करके दे रहा है। और एक आप मेरी खुशी के लिए एक नए घर में भी शिफ्ट नहीं हो सकते। फिर वही बात शाजमा, जब एक बात खत्म हो चुकी है तो बार बार तुम उस बात को क्यों दोहराती हो? मैं दोहराऊंगी, 100 दफा दोहराऊंगी। मैं जब अपने आसपास के लोगों को खुश देखती हूँ, अपनी जिंदगी देखती हूँ, तो मेरा दिल जलता है। नाजिया कितनी खुश है, उसकी तो लव मैरिज भी नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है उसकी। कितना ख्याल रखता है उसका शोहर। एक मेरी ही किस्मत फूटी है। इंसान की अच्छी किस्मत उसकी नेक नियति से जुड़ी होती है। और खालू जान ने सही कहा था, नाजिया को उसके खुलूस का फल मिल रहा है। नाजिया जैसी किस्मत पाने के लिए इंसान को समझदार और नेक नियत भी होना पड़ता है। क्या मतलब है आपका, मैं समझदार नहीं हूँ? जो औरत दूसरों के महल देखकर अपना घर जलाने की बात करे, उसे समझदार नहीं बेवकूफ औरत कहते हैं। अगर मैं इतनी ही बेवकूफ हूँ तो मेरे साथ रह क्यों रहे आप? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी।